हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो दुकान, इसका नाम है कार सिंगार। कुछ नया नाम है ये और अलग सा नाम है। मैं भी जब पहली बार सुना कार सिंगार तो थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या है, क्या चीज़ की दुकान है। तो इस जो शॉप के प्रोप्राइटर हैं कैफ़ी भाई, ये ज़्यादा गाड़ी वाड़ी लाइन के नहीं हैं या इनका बिज़नेस ज़्यादा मोटर का बिज़नेस में नहीं है, ये बिल्कुल प्योर शिक्षक हैं, टीचर हैं और पठन पाठन के ही क्षेत्र में शुरू से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल के हालात बने हैं, तो एक स्कूल के डायरेक्टर को यहाँ पे आना पड़ा है, इन मुश्किलों से का सामना करना पड़ रहा है। सर, आज इस मौके पर तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपकी नई दुकान के लिए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन क्या वजह हुई कि आपको इस तरह की दुकान खोलनी पड़ी? सबसे पहले मैं आजकल का धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोरोना काल फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज आया, अबाउट 2 ईयर से आज सारे संस्थाएं बंद हैं। लेकिन मुझको आपके चैनल के माध्यम से बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं एज ए डायरेक्टर कम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिरघाटी सब डिविजनल यूनिट, आज मैं इस पर मजबूर हो गया, कंपेल हो गया। जी बिल्कुल, मैं उपाध्यक्ष हूँ और आज मैं इस पर विवश हो गया। डे इन डे आउट सोचा करता था कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, डिसिग्नेशन के हिसाब से कौन सा वर्क मैं चुनूं जो हमें मान सम्मान के साथ कार्य करना पड़े। आज इसी के साथ मैंने बहुत सूझबूझ के साथ मैंने ये फैसला आज किया है। और रोड के, सड़क के किनारे एक आप हालात देख ही रहे हैं कि मैं बहुत पॉम्प एंड शो की स्थिति में भी नहीं था कि जो मैं उस तरह से बियर कर पाऊँ। बहुत प्रयास से, एफर्ट के साथ मैंने कैपिटल अरेंज करने के बाद इस स्टेज में आज मैं आया कि ताकि मैं स्कूल, मतलब कार सिंगार का उद्घाटन कर सकूं और इसमें हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे। क्या घाटा से गुजरना पड़ा आप लोगों को, स्कूल जो स्कूल संचालक हैं? सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग का जो बिल्डिंग है वो भी रेंट का है, बसेस वगैरह का EMI है, आज भी हम लोग बियर करते हैं। आज फाइनेंसर लोगों का इतना दबाव होता है कि आपकी गाड़ी खींच कर लेकर कैंपस से चले जाएंगे, बड़ा अपमानित होना पड़ता है और बड़े ही पोलाइटली अंदाज में उनको सवाल का जवाब देना पड़ता है कि आप स्थिति हम लोगों की देख रहे हैं, बैड टू वर्स्ट हो चुकी है, इस स्थिति में हम EMI आप चाहेंगे अप टू डेट तो हम देने में असमर्थ हैं। और भविष्य लग रहा है स्कूल संचालकों का? हालात तो सर बस से बदतर है, क्योंकि सेंट्रल सरकार भी और बिहार सरकार भी इस पर बिल्कुल, समझिए कि आप हाथ में हाथ धर कर उन्होंने बैठ गए और उनको ऐसा लगता है कि स्कूल के प्रांगण ही में कोरोना है, बाकी सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो मैं तो ये सरकार से, आपके चैनल से आह्वान करता हूँ कि उनको चरमबद्ध तरीके से स्कूल का संचालन करने देना चाहिए, जिस ढंग से वो सारे कार्य को अपना चालू उन्होंने किया है। और आप तो ये चीज़ जान सकते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो तो वो गन का प्रयोग करता है कि मास्क लगाना है, तब भी पब्लिक मास्क नहीं लगाती है। लेकिन हम लोग तो शिक्षा का पठन पाठन करते हैं, अगर एक आदेश कर दें बच्चे को हम लोग, तो बच्चा उस चीज़ों को सेकंड डे फॉलो करके ही आएगा, न तो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा कि पापा मम्मी हमारे साथ चलो, सर ने ऐसा आदेश किया है, मास्क लगा ही कर जाना है, हेयर स्टाइल चेंज करा ही कर जाना है, वेल यूनिफॉर्म में जाना है। तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बिना आर्म्स के इस तरह का लेसन बच्चों को देते हैं कि शायद वो अपने पेरेंट्स की बातों को पहले स्टेज में रखें, ना कि हम लोगों का स्टेज में रखने का कार्य करेंगे। चलिए सर, आज के मौके पर ये कहें, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, स्कूल न खुलने का गम और आज जो दुकान ओपनिंग आपकी हुई है इसकी खुशी। चलिए फिर से मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।